तो अगर आप भी YouTube पर अपना एक चैनल बनाकर YouTube से पैसे कमाना चाहते हो और एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी वो पांच बातें हैं जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखकर YouTube पर काम करना है, तब जाके आप जो है अपने चैनल को यहां पर ग्रो कर पाओगे और अपने चैनल से यहां पर अर्निंग कर पाओगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मेरा एक यूट्यूब पर चैनल है जिस पर यहां पर जो है 150,000 सब्सक्राइबर्स यहां पर होने वाले हैं, और यहां पर आप देख सकते हो कि मैं हर महीने यहां पर जो है डॉलर को यहां पर बना रहा हूं और मैं हर महीने यहां पर जो है YouTube से कमाई कर रहा हूं। ठीक है, आप भी ये कर सकते हो, बस आपको क्या करना है कि इन पांच बातों को यहां पर ध्यान में रखकर YouTube पर काम करना है जो कि मैं आपको यहां पर वीडियो के आगे बताने वाला हूं। इन पांच बातों को ध्यान में रखकर अगर आप यहां पर काम करोगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक यहां पर सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाओगे, बट मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर आप जो है इन पांच बातों को ध्यान में रखकर यूट्यूब पर काम करोगे तो आप जो है यूट्यूब पर अपना एक चैनल यहां पर ग्रो कर सकोगे और अपने उस चैनल से अर्निंग यहां पर स्टार्ट कर सकोगे। स्टार्टिंग में कोई भी यहां पर सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बनता है, स्टार्टिंग में वो अपना एक चैनल स्टार्ट करता है और धीरे धीरे यहां पर चैनल को ग्रो करता है और यहां पर अपने चैनल को ग्रो करने के बाद यहां पर अर्निंग को स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि मेरा एक चैनल है और यहां पर मैं अपने चैनल को ग्रो कर चुका हूं और इससे जो है मैं अर्निंग भी कर रहा हूं। तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूं कि कौन सी वो पांच बातें हैं अगर आप ध्यान में रखोगे और वैसे ही अपने चैनल पर काम करोगे तो आप जो है अपना एक चैनल ग्रो भी कर लोगे और उस चैनल से आप यहां पर अर्निंग भी यहां पर स्टार्ट कर सकोगे। अब बात करते हैं कि ये पांच बातें है कौन सी। ठीक है, बट वो पांच बातें जानने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए यहां पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि वो पांच बातें कौन सी है जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब भी आप अपना एक चैनल यहां पर क्रिएट करते हो या फिर चैनल बनाने वाले होते हो या फिर आपने जो है अपना एक चैनल यहां पर बना लिया है तो आपको क्या करना है कि अपने चैनल पर यहां पर एक कैटेगरी यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि हम जो है एजुकेशन में काम करेंगे, हम ये पढ़ाएंगे, हम ये सिखाएंगे, या फिर हम जो है यहाँ पर कुकिंग का चैनल स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पर जो है डांसिंग का यहाँ पर चैनल स्टार्ट करेंगे, कुछ भी यहाँ पर जो है चालू करने से पहले आपको जो है एक कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, उनका चैनल ग्रो क्यों नहीं हो पाता। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको जो है एक चैनल बता देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर देखा था। वो क्या कर रही थी, एक मैम थी, वो क्या कर रही थी अपने चैनल पर यहाँ पर कुकिंग की वीडियोस अपलोड कर रही थी और साथ ही में जो है शॉर्ट्स में वो यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रही थी, कॉमेडी से रिलेटेड वीडियो बना रही थी। मतलब जो है उन्होंने अपने शॉर्ट वीडियो में मिक्स कंटेंट यहाँ पर अपलोड कर रखा था और यहाँ पर जो है इस सेट लॉन्ग वीडियो में अपने चैनल पर जो है कुकिंग की वीडियोस अपलोड कर रही है। अब आप मुझे बताओ, शॉर्ट्स में वो अलग कर रही है और लॉन्ग वीडियो में वो अलग कर रही है, लॉन्ग वीडियो में वो अलग कैटेगरी में काम कर रही है, कुकिंग की वीडियोस अपलोड कर रही है और शॉर्ट वीडियो में वो यहाँ पर जो है ब्लॉग्स बना रही है, कॉमेडी वीडियो बना रही है, ठीक है, रील्स बना रही है। अब बताओ मुझे यहाँ पर इनका चैनल कैसे ग्रो होगा। ठीक है, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आप यहाँ पर जो है अपने चैनल को बनाने से पहले या फिर आपने अभी अपना चैनल बना लिया है, आपको यहाँ पर एक दो महीने छः महीने हो गए, तो अभी से आप क्या कीजिएगा कि अपने चैनल पर एक ही कैटेगरी को यहाँ पर जो है रख लीजिएगा कि हम इसी कैटेगरी में काम करेंगे। ठीक है, हमारा यही कैटेगरी फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ध्यान में यही रखना है कि आपको अपने चैनल पर एक ही कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरी बात जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पर कि आपने अपने चैनल पर एक कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है कि अपने चैनल को यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। चैनल क्रिएट करने से पहले आपको क्या करना है, अपने चैनल पर एक जो है यहाँ पर जीमेल जो अकाउंट रहता है उसे यहाँ पर नया बना लेना है। अगर आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर चैनल स्टार्ट करते हो तो मैं कहूँगा कि आप अपने चैनल को यहाँ पर बनाने से पहले एक फ्रेश जीमेल यहाँ पर जो है अकाउंट को क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपने जो है एक जीमेल यहाँ पर क्रिएट कर लिया नया जीमेल, उसके बाद आपको क्या करिएगा कि उसी जीमेल से अपना एक नया चैनल यहाँ पर बना लीजिएगा। चैनल आपने बना लिया, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी सारी सेटिंग्स जो है आपको अपने नए चैनल पर कर लेनी है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर चैनल को बना लेते हो तो आपको जो है अपने चैनल पर यहाँ पर जो है कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है। ठीक है, आपको बेसिक से लेके सारी एडवांस सेटिंग्स अपने चैनल पर यहाँ पर कर लेनी है। ठीक है, तो अब वो सेटिंग्स कौन सी है, नए चैनल पर कौन कौन सी सेटिंग्स करनी चाहिए जिससे हमारा जो चैनल है वो यहाँ पर जल्दी से ग्रो हो जाए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया है कि एक नए चैनल पर कौन कौन सी बेसिक सेटिंग करनी पड़ती है, कौन कौन सी एडवांस
एडवांस सेटिंग करनी पड़ती है। टोटल यहाँ पर 5 सेटिंग है जो कि मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एक नए चैनल पर कौन सी 5 सेटिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसे यहाँ पर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख के अपने नए चैनल पर यहाँ पर जो है उन 5 सेटिंग्स को यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरी बात यही है कि आपको यहाँ पर एक जीमेल अकाउंट नया बना लेना है, उसके बाद उसी जीमेल अकाउंट से आपको यहाँ पर अपना चैनल क्रिएट कर लेना है। चैनल क्रिएट करने के बाद आपको जो है उस चैनल पर सारी सेटिंग्स, ठीक है, कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देख के आप जो है अपने नए चैनल की सारी सेटिंग्स को यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरी बात, अब आपको क्या करना है कि अपने चैनल पर यहाँ पर जो है रेगुलर वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको अपने चैनल पर कंसिस्टेंट रह के आपको जो है अपने चैनल पर रेगुलर वीडियोस को अपलोड करना है और यहाँ पर अच्छे क्वालिटी में अपने वीडियो को बनाना है और यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक। आप चाहे तो अपने चैनल पर यहाँ पर शॉर्ट्स को बना सकते हैं, टोटली अपने चैनल को यहाँ पर शॉर्ट्स का बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर टोटली यहाँ पर लॉन्ग वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, या फिर दोनों ही आप यहाँ पर मिक्स अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। बट मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपको यूट्यूब से अर्निंग करना है तो आप यहाँ पर लॉन्ग वीडियोस को बनाइए। अगर आपको जो है अपने चैनल को यहाँ पर जल्दी से ग्रो करना है, ठीक है, आप चाहते हो कि मेरे सब्सक्राइबर्स यहाँ पर जल्दी से बढ़ जाए, मेरा चैनल यहाँ पर जल्दी से ग्रो कर जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट्स को बनाइएगा, ठीक है। वरना आप यहाँ पर दोनों ही अपने चैनल पर वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियोस को अपलोड करना है, ठीक है। ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चौथी बात जो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके चैनल को यहाँ पर जो है बहुत जल्दी यहाँ पर ग्रो करा सकती है और अपने चैनल को यहाँ पर बहुत जल्दी बूस्ट भी करवा सकती है। अब वो कैसे, यहाँ पर चौथी बात है कि आपको अपने चैनल पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। ट्रेंडिंग टॉपिक जब भी आप अपने कैटेगरी के हिसाब से, आपके कैटेगरी में जब भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आता है और जब आप कवर करते हो तो उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे जो है आपकी जो वीडियो है वो वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स के वजह से वायरल हो जाती है तो इससे आपका चैनल ग्रो हो जाता है, आपकी वीडियोज़ पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके चैनल पर नए सब्सक्राइबर्स यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और टोटली आपका जो चैनल है वो यहाँ पर ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपके कैटेगरी में यहाँ पर जब भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आता है तो उसे आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर कवर करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अब आप बोलोगे कि यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स हमें यहाँ पर मिलेगा कैसे, तो अगर आपने अपना एक चैनल बना लिया तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो है अपने कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं आपके कैटेगरी में, उनको यहाँ पर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और जब भी यहाँ पर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आता है तो उनके चैनल पर आप देखते रहिएगा कि यहाँ पर जो बड़े यूट्यूबर है ना वो बहुत जल्दी उस ट्रेंडिंग टॉपिक को यहाँ पर कवर करने में लग जाएंगे, ठीक। और जैसे ही आप उनके चैनल पर जाओगे तो आप वहाँ पर देखोगे कि उनके जो रेगुलर वीडियोस के मुकाबले उस वाली वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ यहाँ पर आए हुए रहेंगे। तो आप क्या करिएगा कि उसी वीडियो पे आप भी यहाँ पर जो है अपने चैनल पर जो है वीडियो को बना दीजिएगा, आपके भी यहाँ पर व्यूज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वीडियो वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चौथी बात यही है कि आपको अपने चैनल पर यहाँ पर जब भी आपके कैटेगरी में कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक आता है तो उसे आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी कवर कर लेना चाहिए। पाँचवीं बात, यहाँ पर आप अपनी वीडियोज़ को यहाँ पर डेली रेगुलर अपलोड तो कर रहे हो बट यहाँ पर आपको SEO भी यहाँ पर सीखना पड़ेगा, ठीक है। SEO जिसको नहीं पता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अगर आपको यह भी नहीं पता कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर YouTube पर आप जाओगे और यहां पर जाने के बाद अगर आप YouTube पर सर्च करोगे कि YouTube चैनल कैसे बनाएं तो आपको यहां पर काफी सारी वीडियोस देखने मिल जाएगी, ठीक है। आपके सर्च लिस्ट में काफी सारे आपको यहां पर वीडियोस देखने मिल जाएगी। अब ये वीडियो कैसे आई, क्योंकि सामने जो वीडियोस आ रही है उस बंदे ने अपनी वीडियो को अपनी वीडियो में यहां पर टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में उस कीवर्ड को यहां पर जो है लिख रखा है, यहां पर जो है उसने इस टॉपिक पर ही वीडियो बना रखी है। बट वो आपके सामने, वो वीडियो आपके सामने, वो कीवर्ड सर्च करने पर कैसे आ गई, स्पेसिफिक वीडियो कैसे यहां पर आ गई उससे रिलेटेड, तो उसने क्या किया, अपनी वीडियो का यहां पर SEO किया हुआ है, जिसकी वजह से आपके जो सर्च रिजल्ट में उसकी वीडियो यहां पर दिखा रही है। उसने क्या किया कि आपने जो कीवर्ड यहां पर स्पेसिफिक सर्च किया है, ठीक है, जैसे कि आपने YouTube चैनल कैसे बनाए सर्च किया है, तो उसने क्या किया, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी यहाँ पर जो सेंटेंस है, जितने भी यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं, उनको जो है अपने डिस्क्रिप्शन में और टैग में यहाँ पर डाल के रखा है कि अगर कोई भी इन कीवर्ड्स को सर्च करेगा तो मेरी वीडियो उसे यहाँ पर दिखाई जाए। अगर आपको यहाँ पर SEO करना नहीं आता है तो मैं एक यहाँ पर वीडियो मैंने बनाई हुई है कि हाउ टू अपलोड वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देखने के बाद आप अपनी वीडियो का बहुत अच्छे तरीके से SEO कर पाओगे। अगर आप यहाँ पर कोई सर्चेबल टॉपिक से वीडियो बनाते हो और यहाँ पर SEO करना अगर आपको आता है
अपनी वीडियो को आप जो है उस कीवर्ड पर यहाँ पर स्पेसिफिक कीवर्ड पर अपनी वीडियो को यहाँ पर सर्च रिजल्ट में यहाँ पर रैंक कराना सीख जाते हो तो आप अपना चैनल बहुत ही जल्दी यहाँ पर ग्रो कर सकते हो। ठीक है, आपको ये मैं नहीं कर रहा कि आपको यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से SEO करना आना चाहिए, बट आपको यहाँ पर जो है अपनी वीडियो का बेसिक SEO तो करना आना चाहिए। ठीक है, जो कि आप उस वीडियो को यहाँ पर देख कर सीख सकते हो। तो पांचवी बात यही है कि आपको अपनी वीडियो का SEO करना यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई पाँच बातें जिसे अगर आप ध्यान में रखकर अपने YouTube चैनल पर काम करोगे तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर 2024 के एंड से पहले आप अपने YouTube चैनल को यहाँ पर ग्रो भी कर पाओगे और अपने YouTube चैनल से यहाँ पर अर्निंग भी स्टार्ट कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।